हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लकवी ब्लॉगर में। दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं 160 सीसी के सेगमेंट में आने वाली एक ऐसी क्रूजर बाइक के बारे में जिसे लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अपनी बिल्ड क्वालिटी की वजह से फेमस है, रोड प्रेजेंस भी अच्छा प्रोवाइड करती है और जो इंजन की परफॉर्मेंस है या फिर माइलेज है या फिर फीचर्स हैं वो भी आपको अच्छे खासे प्रोवाइड कर देती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मेरे सामने प्रेजेंट हो गई है द ऑल न्यू एंड ब्रांड न्यू 2024 के अंदर आने वाली बजाज एवेंजर स्ट्रीट 160, जिसका आज मैं एक डिटेल भी वॉक एंड ब्लॉक शूट करने वाला हूँ एंड आप लोगों को बताने वाला हूँ इस बाइक के 2024 कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, माइलेज, देन प्राइस क्या होने वाला है एंड ऐसी कौन सी खूबी है जिसकी वजह से लोग अगर जो 160 सीसी के सेगमेंट पे क्रूजर बाइक लेने का सोच रहे हैं वो इसे ही क्यों परचेस करते हैं, डिटेल में बताऊंगा। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। शुरुआत करता हूं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल लुक से। तो यहां पर आप लोगों को हैलोजन बेस हेडलाइट एरिया देखने को मिलता है जो कि कुछ इस प्रकार का है। विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी है एंड इसी के अंदर आपको DRL भी देखने को मिलती है जो कि LED है। यहां पर लंबा पेट का स्पेस देखने को मिलता है। रिंग शेप में आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं जो कि फ्लेक्सिबल हैं, हैलोजन बेस यूज किए गए हैं। ऊपर साइड में देखेंगे तो शॉर्ट्स आपको विंडशील्ड एरिया देखने को मिलता है जो कि डिजाइन एंड कट्स के साथ में आता है। फ्रंट का जो व्हील फेंडर है वो आपको सिंगल टोन फिनिशिंग में देखने को मिलता है, ग्लॉसी और बहुत ही वाइल्ड यूज किया गया। बैक साइड में आपको कर्व पोजीशन देखने को मिल जाती है। तो ऐसा है फ्रंट का प्रोफाइल जो कि बहुत ही मस्कुलर है और लोगों को पसंद भी आता है। साइड प्रोफाइल की तरफ चले तो साइड से कुछ इस प्रकार के आपको लुक्स देखने को मिल जाएंगे, ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। टैंक की तरफ आप देखेंगे तो एवेंजर की बैजिंग यूज की गई है 3D क्रोम फिनिशिंग के साथ में एंड पूरे ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ही मस्कुलर है। यहां पर देखेंगे 160 स्ट्रीट की बैजिंग है। बैक साइड में आपको मैट टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल कुछ इस प्रकार का है पूरा सेट का प्रोफाइल जो कि बहुत ही मस्कुलर लग रहा है। अब मैं आप लोगों को इस बाइक का रियर का प्रोफाइल भी दिखा देता हूं। तो चलिए चलते हैं फिर। यहाँ पे जो आपको टेल लाइट देखने को मिलती है वो भी हैलोजन बेस देखने को मिल जाएगी जिसकी विजिबिलिटी नाइट के टाइम पर बहुत ही अच्छी है। एक बार मैं पास से आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार की है। इंडिकेटर्स आपको सेम देखने को मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स है, नंबर पैड का स्पेस है एंड रियर का पूरा व्हील फेंडर देखने को मिलेगा, फाइबर बॉडी के साथ में आता है। तो ऐसा है रियर का प्रोफाइल पूरा। सेकंड साइड प्रोफाइल मैं आपको दिखा दूं वो भी आपको सेम ही देखने को मिलते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल को। तो इस बाइक में आप लोगों को एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल का कंबाइनेशन देखने को मिलता है जो कि आप लोगों को सभी नॉर्मल से फीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड करके दे देता है। एंड नीचे साइड में आपको की का प्लेसमेंट देखने को मिलता है जो कि इंजन के पास में यूज किया गया, कुछ इस प्रकार का है। चाबी आपको ऐसी देखने को मिलती है, डुअल की, बजाज का लोगो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ एंड मीटर कंसोल को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ऑन होने के बाद यहाँ पर आपको येलो लाइटिंग देखने को मिल जाती है डिस्प्ले पर एंड यहीं पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। मैक्स स्पीड है 140 की। सेंटर में बजाज का लोगो है, ABS का इग्निशन देखने को मिलता है। डिस्प्ले के अंदर आपको KM ओडोमीटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मोड का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे ट्रिप आ जाएगा, KM का इग्निशन आ जाएगा जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हैंडल बार पर देखेंगे तो एवेंजर की बैजिंग है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में आपको रॉड बार वाला हैंडल बार देखने को मिलता है एंड लेफ्ट साइड में आपको मिरर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो पासिंग का स्विच है, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच है, एक अच्छी सी ग्रिपिंग देखने को मिल जाएगी। राइट साइड में आपको सेकेंडरी मिरर का ऑप्शन देखने को मिलता है एंड यहीं पे आपको इंजन के स्विच देखने को मिल जाएगा। हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच है, सेल्फ का स्विच है और यहाँ पे भी एक अच्छी सी ग्रिपिंग देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब देख लेते हैं फ्यूल टैंक एरिया को। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही मस्कुलर सा फ्यूल टैंक एरिया देखने को मिलता है जिसकी कैपेसिटी है पेट्रोल में 13 लीटर की, कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर आपको फाइबर बॉडी भी देखने को मिल जाती है। फ्यूल कैप आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में देखने को मिलता है और E20 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। सेकेंडरी मिरर का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आपको फ्यूल लेवल एंड ऑल चेक लाइट्स देखने को मिलती है जिसमें इंडिकेटर, न्यूट्रल, इंजन मालफंक्शन लाइट यूज की गई है। सीट की बात करें तो सिंगल सीट देखने को मिलती है जो कि बहुत ही वाइल्डर सीट के साथ में आती है। बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल मटेरियल को यूज किया गया जिससे राइडर एंड पिलियन दोनों ही कंफर्टेबली राइड पर जा सकते हैं। ग्रैब हैंडल्स आपको रबरी टेक्सचर वाले देखने को मिल जाते हैं, मैट ब्लैक फिनिशिंग के यूज किए गए, कुछ इस प्रकार के हैं, ग्रिपिंग अच्छी प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल दोस्तों सीट कंफर्ट, स्विचेस क्वालिटी एंड मीटर कंसोल आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इंजन के बारे में तो यहां पर आप लोगों को 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर ट्विन स्पार्क DTSI वाला इंजन देखने को मिलता है जो कि 4 स्पोक है एंड ये OBD E20 के साथ में अपडेट कर दिया गया है जिससे जो आप लोगों को पावर देखने को मिलती है वो है 15 PS की एंड जो मैक्स टॉर्क वो है 13.7 न्यूटन मीटर की। दोनों मिलकर इंजन को बहुत ही स्मूथली जनरेट करते हैं। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है एंड यहां पर देखेंगे तो लेग गार्ड इंस्टॉलेशन के टूल्स यूज किए गए हैं। नीचे आपको एग्जॉस्ट कैटेलेटर देखने को मिल जाएगा। ऊपर साइड में आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिलता है कवरिंग के साथ में। सेकंड साइड से देखते हैं इंजन की प्रोफाइल को तो यहां पर आप देखेंगे बजाज का लोगो मिल जाएगा। किक का ऑप्शन नहीं है इस बाइक में एंड की का प्लेसमेंट है ऊपर साइड में जो कि मैंने आपको पहले दिखा दिया। यहां पर आपको ब्रेक लीवर देखने को मिलते हैं रियर वाले। सिंगल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही स्मूदी वॉइस के साथ में आता है एंड यहां पर आपको कॉल भी देखने को मिलते हैं ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के, एक स्पोर्टी सा लुक प्रोवाइड करते हैं इस बाइक के साथ में। ओवरऑल दोस्तों इंजन बहुत ही अच्छा है जिससे आपको माइलेज 45 से 50 KMPL की आराम से देखने को मिल जाती है और बहुत ही स्मूदी जनरेट करता है। यहाँ पर आते हैं फ्रंट में और बात करते हैं ब्रेकिंग पावर के बारे में तो फ्रंट में आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसका साइज है 280mm का, सिंगल चैनल ABS के साथ में आती है और बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग पावर को प्रोड्यूस करती है। फ्रंट में ही आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल रहते हैं। रियर में आप लोगों को
ट्विन गैस सॉक्स एब्जॉर्बर देखने को मिल जाते हैं जो कि 5 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ में आते हैं। रियर में अगर आप देखेंगे तो 130 mm की ड्रम ब्रेक है, सिंगल चैनल ABS रिंग के साथ में आती है और यहाँ पर ब्रेकिंग पावर को बहुत ही अच्छे से प्रोड्यूस करके देती है। सस्पेंशन और ब्रेकिंग पावर भी आप लोगों को अपडेटेड देखने को मिल जाता है। तो चलिए फिर से चलते हैं फ्रंट में और बात लेते हैं टायर्स एंड व्हील्स के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर करती है जो कि आते हैं MRF की तरफ से, जिनका टायर साइज है फ्रंट का 90x90 17 inches मैट ब्लैक एलॉय व्हील्स के साथ में आते हैं। व्हील्स का डिज़ाइन दोस्तों पर्सनली मुझे अच्छा लगता है और बहुत से लोगों को भी पसंद आता है। एंड जो ग्रिपिंग पावर टायर की कुछ इस प्रकार की देखने को मिल जाएगी फ्रंट वाले। रियर में भी आप लोगों को MRF के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं लेकिन यहाँ का जो टायर साइज है वो चेंज है एंड वो है 130x90 15 inches के एलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम फ्रंट के जैसे एलॉय व्हील्स यूज़ किए गए मैट ब्लैक फिनिशिंग के जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। एंड जो टायर की ग्रिपिंग है वो आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी यूज़ की गई है, अच्छी ग्रिपिंग के साथ में आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल फुट स्टेप देखने को मिल जाएगा राइट साइड में। सेकंड साइड चलते हैं तो यहाँ पर आपको फुल फेयरिंग साड़ी गार्ड देखने को मिल जाएगा, लॉन्ग फुट पैड के साथ में आता है। एंड यहाँ पर आपको हाफ फेयरिंग चैन देखने को मिलती है। सिंगल फुट स्टेप लेफ्ट साइड वाला भी आपको देखने को मिल जाएगा। साइड स्टैंड का कट ऑफ सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है जिसका इग्निशन ऊपर मीटर कंसोल में यूज़ किया गया है। सो ओवरऑल दोस्तों कुछ इस प्रकार का है वॉकर ऑन रॉक। एंड अब मैं आप लोगों को इस बाइक का शोरूम प्राइस बता दूं लखनऊ का जो कि है 1,70,400 रुपये के अप्रॉक्स में। एंड जो ऑनर प्राइस है लखनऊ का वो है 1,44,000 रुपये के अप्रॉक्स में, जिसके अंदर आप लोगों को एक क्रूजर बाइक कंपनी ऑफर करती है जो कि बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आती है। सेफ्टी फीचर्स भी आपको अच्छे देखने को मिलते हैं एंड जो यहाँ पर फंक्शंस यूज़ किए गए कंफर्ट को लेकर वो भी अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे और लोगों को पसंद भी आते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।